Hi friends, welcome. So we are going to be watching a funny video. It says Behen Ki Shaadi by Raju Srivastava. And yes friends, if you remember, we did one of the videos where he did a marvelous comedy and then lots and lots of suggestions poured in. So finally reached to that stage to watch it and have some laughs. But before we go ahead and watch this video, yes friends, if you're new to the channel and you haven't hit the subscribe button yet, click the subscribe button and the bell icon so that you get notifications of all our videos as soon as we upload them. And after watching the video, if you find it funny and you like it, then click the like button and share the video with your friends and family. So, okay, friends, let's go ahead and watch this video. Raju bhai, bhool rahe ho sabko? Goliyan chalate hue? बहुत अच्छा लग रहा है फिर से मजाक मजाक में आप लोग टीवी खोले बैठे तुम्हें बुरा कब विवाह का एक दृश्य याद आ रहा है शादी का कई बार ऐसा होता है आप शादी में जाते हैं और खाना प्लेट में लेते हैं और कोना पकड़ के अच्छे से खा रहे होते हैं उस वक्त आपको ऐसा लगता है कोई डिस्टर्ब ना करे मैं ठीक से खाऊं आप खा ही रहते हो एंजॉय कर ही रहे होते हैं कि वीडियो वाले को पता चलता है आप घर के कोई इंपॉर्टेंट आदमी है वो सबको छोड़ता हुआ आपको कवर करने के लिए वीडियो कैमरा लेके आपकी प्लेट में घुस जाता है कई बार पता ही नहीं चलता है कि वीडियो शूटिंग कर रहा है कि डरा रहा है और आप जो मजे से खा रहे थे सडनली आपकी हालत ऐसी और लोगों को मिलो यार मैं तो बिना बुलाया आया हूँ वीडियो वाला बोलता है चुपचाप खाते रहो आवाज भी रिकॉर्ड हो रही और शादी में सबसे खराब स्थिति तब होती है जब पूरी तैयारी की है लाइटिंग वाइटिंग लगी लाखों रुपए खर्चा किया है लेकिन जनरेटर नहीं मंगाया और लाइट चली जाती है जब लाइट चली जाती है तो सबसे ज्यादा इंसल्ट लगती है दुल्हन की बहन को जी बाबा हमारे घर की पहली शादी इतना खराब लग रहा है पता है पापा से कहा भी था जनरेटर वगैरह मंगाए भी इतना खराब लग रहा है मेकअप पिकअप करा के आए थे मैं निशा सुनीता सब लोग गए थे मालूम है आईब्रो भी बनाई फेशियल वेशियल करा के आए थे ना कोई बराती देख पा रहा ना कोई लाइन मार पा रहा है सब चीज इतना खराब लग रहा है हमारी फ्रेंड है निशा उसके घर शादी थी हम लोग इतनी रात पूरी रात नाचे थे इतना नाचे थे अंताक्षरी वगैरह खेली थी जिया जी के चूते वगैरह चुराए थे कुछ भी नहीं हो पा रहा मेरे घर की पहली शादी पापा ने पूरी इंसल्ट करा दी हम लोगों ने कहा भी था जनरेटर मंगा करके ना मंगाए पापा अपनी चलाते सिर्फ अपनी सुनते रहते कहीं नहीं बोले बत्ती नहीं जाएगी बत्ती जब चली गई इतना खराब इतना कचरा हो गया हम रील डला के लाए थे और जब लाइट गई हुई है तो कुछ लोग दुल्हन के घर वाले हैं चाहिए कि आगे बढ़ के मदद करें लेकिन वहां भी देखिए कि नेतागिरी लोगों के क्या करेक्टर हैं लड़की के मामा ऐसे घूम रहे हैं ऐसा है आज इनके यहां लाइट गई है ना ये दूसरे की शादी में जाते तो बहुत कमी निकालते थे नमक कम है जोड़ी सही नहीं है टेंट सही नहीं है आवाज खुद के भीतर ही देते एक दूसरे करेक्टर ऐसा भैया जनरेटर तो ला दे हम 10 एक मिनट जनरेटर पैदा कर दे बोलू लेकिन हम आगे बढ़ के नेतागिरी नहीं करते हैं कोई हमसे बोलेगा नहीं तो काहे को लाएं ये अभी खड़ा कर दे 10 जनरेटर खड़ा कर दे गुरु अभी के अभी कोई कहे तो करेंगे ऐसा थोड़ी मन लगे रहेंगे भैया अपने मन से थोड़ी करेंगे जो कोई कहे तो कर देंगे काहे को आगे बढ़ के गाय कर अंदर बोले बहुत लबल करके कल कोई बात थोड़ी थोड़ी कर दे बोलता रहा अब होते होते सुबह का वक्त आ गया विदाई का लड़की विदा होने वाली है अब देखिए माहौल गमगीन है क्योंकि लड़की विदा होने वाली है लड़की की माँ बरातियों को भी देख रही है और दामाद को समझा भी रही लड़की की माँ ही भैया सब ठीक है कोई शिकायत तो नहीं बस भैया हमसे जो बन पड़ा हमने किया हमारा फर्ज था भाई कोई शिकायत ना रहे सब अपनी तरफ से सब किया भैया अब हम लोग तो कट गई है तुम्हारी ही कटेगी अरे पुत्तन ए पुत्तन ये समोसा बरातियों को दे दो भैया ये रस्ता में कढ़ाई किसने रख दिया यही स्कूटर रखे गुड्डू मुंह इधर कर लो बनारस वाले चाचा रिक्शा से उतर रहे हैं उनकी तरफ देखो तो किराया हमें को देना पड़ेगा
भैया हमसे कोई जो भाई अपनी बिटिया को सब घर की शिक्षा दिया है, संस्कार दिया है, संस्कृति दिया है कि मतलब ससुराल जाए तो मतलब कोई शिकायत ना हो भैया, बस यही है माँ बाप का आशीर्वाद है। आज तक अपनी बेटी को बाजार अकेले नहीं भेजा, जब भी गई चार छह लौंडों के साथ गई। अब भैया बैंड वाले से कह दो बारात चली जाए तब हम पैसा दे दें, कोई भागे नहीं जा रहे, लड़की घर है। और भैया हम कोई शिकायत तो नहीं, आज तक हमारी बिटिया किसी को नजर उठा के नहीं देखे है, जिसको भी देखे भी टकटकी बांध के देखे। अरे गुड्डू, ए गुड्डू रास्ता से स्कूटर हटाओ, यही से सब आ रहे जा रहे वहीं गिर रहे सब बच्चे लोग, उठाओ ये से कढ़ाई नहीं निकल पा रही, ये पंखा में रास्ते में रखे उसको हटाए, ससुरा हाथ में चिपक गया, इसको हटाओ। और भैया सब ठीक है, कोई शिकायत तो नहीं भैया, हमसे जो बन पड़ा हमने अपनी तरफ से किया, अपनी बिटिया को सब शिक्षा दिया है, खुद ही खाना पकाती खुद ही खा डालती है। भैया हमने हमारी बिटिया की 150-200 जगह दिखाई हुई, बहुत जगह फोटो आई, सब जगह मंदिर में दिखाई, भाई कोई पसंद ही नहीं किए, तुमसे हो गई अच्छे से रखना छोड़ना नहीं। इतने में लड़की के पापा उधर से निकले, तो अपने हस्बैंड से कहती सुनो ए बिटिया जा रही है दामाद से बतिया लो, वीडियो भी बन रहा है, और वीडियो वाला बीच में। अब लड़की के पापा को रोना आ रहा है, लेकिन रोना कंट्रोल किए हुए, उनको लगता है अगर मैं रो पड़ा तो मेरे साथ कई ज्वालामुखी फट जाएंगी, तो अपने आप को जब्त किए हुए। अरे हाँ बस कुर्सी हटल वाले भैया, हाँ भैया कार रेडी मंगा लीजिए, विदाई का मामला है, नाश्ता वगैरह भैया अपने हिसाब से करिए, देखिए पलंग वहां भिजवा दिया पलंग, बट उनको अरे साहब पसी तो विधि का विधान होता है, लड़की पराय धन होती है साहब, एक दिन तो बिटिया को विदे। आप लोग बैठ जाइए वहां पर, चाय वगैरह अपने हिसाब से कर लीजिए भैया, बस बेटा बहुत प्यार से पाला है। दूल्हा बोला कि हम लोग हंटर मार मार के पाले हैं। बेटा इतनी सी थी जब पैदा हुई थी, इतनी सी थी, तो बोले हम लोग क्या इतने इतने थे। नहीं बेटा, बेटा गाय बिटिया नहीं दे रहा हूँ, बेटा बिटिया नहीं है ये गाय है, गाय। दूल्हा डर गया, सही में तो नहीं गाय बांधी। दूल्हे ने अपने भाई से बोला पप्पू जरा पता करो गाय तो नहीं है, वो अंदर गया चेक करके आया, नहीं नहीं भाभी है, भाभी पूरी पूरी भाभी है, भाभी ने हमें 100 रुपया भी दिया और 2 लड्डू। इतने में लड़की के भाई उधर से निकला, तो लड़की की माँ कहती है विनोद ए विनोद बेटा बहन जा रही है, अब जा रही पता नहीं कब आए, तो है बहन बेटिया तुम लोग साथ साथ पढ़े साथ साथ खेले, आज अलग हो रही है, जीजा जी से बात कर ले बेटा, तुम लिवावे जाओ तो तुम्हारे यहाँ भेजे तो सही, वीडियो भी बन रहा है तो सही। बात कर ले बेटा, बहनों ही से बात कर ले, बिटिया जा रही है, सुधा जा रही है, देखो पता नहीं। माता जी धरो, ऐसा है आपने बात कर लिया, पिताजी ने बात कर लिया, हो गया घर खाली करो, अब मेरी शादी बारे में सोचो। समझे, इसके चक्कर मेरी नहीं हो पा रही थी। सब बोल रहे थे बहन की हो जाए तुम्हारी तो हो जाएगी, बहन की हो जाए तुम्हारी तो हो ही जाएगी, अब इसको कोई पसंद नहीं करता, तो हम जिम्मेदार उसके। बात करो अभी तो बड़ा अच्छा कर रहा लग रहा, बात कर लो बात कर, लब लबर करो के लौंडा क्या, कोई बच्चा है क्या उसको समझा रही हूँ, समझे, बात करो अभी तो बड़ा अच्छा लग रहा, अभी बारात जाने तुम्हें बताए, टेंट वाला क्रॉकरी वाला इतना लंबा बिल बना के बैठा है, 36 चम्मच गायब है, 42 डोंगे नहीं मिल रहे, सब साले बारातियों में डाउट लग रहा है, सब खाली हाथ आए थे, सबके हाथ में एक थैला है, समझे, कि बारात है मेरा मुंह खुला रही हूँ,
अब तो फेरे पड़ गए, हम कुछ बोल नहीं पा रहे, भरे बैठे। ये भरा था, ये बीड़ी पी के पूरा तंबू जला दिए इन लोगों ने, उसका अलग से बिल बना के बैठे। और वहां वहां जहां भरा ठहराई गई, वो पूरी रात माणिक चंद गोवा गुटका और पान परा खा खा के साले उसकी पुड़िया फेंक फेंक नाली की जाली जाम कर दी, और गटर अलग जाम हो गए, वहां पे गद्दे तैर रहे, उसका बिल अलग साल भरना पड़ेगा। हम साले 6 महीने से नौकर है क्या, उसको वो ला के दो, उनको ला के दो, उनका रिजर्वेशन कराओ, वहां पर वहां पे चले नाश्ता लेट पहुंचा तो पड़ोसियों के घंटी बजा, कहते हम लोग बराती में नाश्ता, तो साले बेइज्जती करने आए हमारी, इतनी एक तो ओवर एज हो जा रहे साले, हमारी शादी नहीं हुई बहन के चक्कर में, हमारे साथ जितने लड़के पढ़ते थे कॉलेज में सबके 4-4 बच्चे हो गए, हमारे साथ जितने लड़के पढ़ते थे सबके 4-4 बच्चे हो गए, जिस घर में जाते हैं एक बच्चा मेरी गोद में डाल देते, मामा आ गए, मामा आ गए, पूरे मामा का ठेका हमने लिया हिंदुस्तान, भरे बैठे कुछ बोल नहीं पा रहे, बराता ही इनको निपटा दो, कुछ कुछ कह नहीं रहे, समझे। एक तो कपूर साहब हमारे पड़ोसी, इतने अच्छे आदमी, कह ले तो है बहन की शादी का मामला है, हमारा फ्लैट खाली, बरातियों को ठहरा दो। एक तो उन्होंने हमारी मदद की, अभी सुबह जब नाश्ता पहुंचाने गए तो मैंने देखा जो दहेज का सामान मिला था उसको बस में चढ़ा रहे, तो मैंने कहा ठीक है गिफ्ट मिली चढ़ा रहे, ध्यान से देखा तो कपूर साहब का फर्नीचर चढ़ा दिया, जब हमने पकड़ लिया तो कहने लगे नहीं नहीं खाली एक सोफा लेना पत्ते खेलने के लिए। पूरी रात बरातियों ने पूरी रात वो फ्लैट में पत्ते खेले हैं, 4 बार पुलिस आई, 9 बाराती कम है, इसाले अनपढ़ है, बराती अनपढ़ है, 10 बार इनको टेलीग्राम किया, चिट्ठी भेजा, ट्रंकाल किया कि दादर उतरना, दादर उतरना, दादर उतरना, हम रिसीव करने के दादर खड़े, साले वीटी चले गए, वीटी लेने चले गए, दादर चले, साले हमें चिढ़ाने के लिए आए, अभी बड़ा अच्छा लग रहा है बात कर बात। और वीडियो वाला, ये वीडियो वाला बड़ा अच्छा, तू वीडियो 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 कैमरा लेके चलो, फोड़ डालेंगे तुम्हारा कैमरा, यहाँ साला झगड़ा और मारपीट, अम्मा गुस्सा रही हमारे ऊपर, ये साला शूटिंग कर रहा है, पूरी जिंदगी हमारे बच्चे देखेंगे, विदाई के समय कितनी डांट पड़ी थी, झापड़ मरते, चल बात कर, बात कर बहनों से, जबान बड़ी चलती कैची की तरह, बात कर बहनों से, लेबर लेबर कर, अम्मा बात सुनो, अब उनसे तो बात कर लेंगे, बात सुनो हमारी, ऐसा वो बारातियों में 2 दिन नहीं आगे नाच रही थी नीली वाली, मेरे लिए सही उसी बात चला, चल चल जबान मत बात कर, अम्मा मारा मत करो, बड़े हो गए बहुत हाथ उठाती रहती हो, अभी तो बड़े हो गए, जब देखो तो थपड़िया देती हो सबके सामने, हमारे दोस्त लोग खड़े हैं उनके सामने बेइज्जती करा रही हो, बात करें जीजा से, ओ जीजा इधर देखो, ऊपर कहाँ देखो बालक, जीजा अड़का दिया, ऊपर कहाँ देख रहे हो यार, देख साला खड़ा है, देख मुझसे बात कर, ऊपर देख रहे हो बालकनी, एक दे दिया दूसरी ढूंढ रहे हो, ए मामा की लड़की निशा चल अंदर, ऊपर बड़ा फेंक फेंक रही फूल फेंक, जीजा जी 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 ऐसे कर रही, जूता जूता चुराई के मैं कितना इसे छुआ है बहाने बहाने से, बात के ऊपर फेंक, जी 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 लपक के ऊपर आ जाएगा, ये मेरी बहन है, एक ही बहन है मेरी, समझे, विनोद भाई की बहन, विनोद भाई की इकलौती बहन, आज तक किसी की हिम्मत नहीं पूरे मोहल्ले में मेरी बहन की तरफ नजर उठा के देखे, जिसने देखा आंख निकाल के पार्सल किया मैंने, समझे, एड़ा आदमी, अगर पता चला तुमने, समझे, मेरी बहन है, अगर पता चला तुमने मेरी बहन को जरा भी टच किया है मैं फोड़ डालूंगा, एड़ा आदमी, मम्मी इसका एड्रेस है कि नहीं, अम्मा अब जे अभी प्यार मोहब्बत रहना, घर की बात घर के अंदर रहना, हाँ बात बात नहीं कर, फोन घुमा के कहना नहीं तुम्हारी बहन ने ये पका दिया है, जला दिया, ये कर दिया, कपड़े नहीं धोए, ये काम नहीं, अभी अंडरस्टैंडिंग रखना, घर की बात घर के अंदर रखना, और बात बात नहीं कर, फोन नहीं घुमाना, समझे, अभी दे दिया बहन, अब तुम्हारा घर घर बसाने का, प्यार मोहब्बत रहने का, अंडरस्टैंडिंग के साथ रहने का, मेरी बहन है, अभी 2 महीने पहले मेरी बहन को 2 लड़के फॉलो करते थे गर्ल्स कॉलेज से, सालों के कीमा निकाल के पाए निकाल कीमा बना खा गया हूँ मैं, ऐसा है आदमी मेरी बहन है, सुन रहा कि नहीं बहरे, मेरी बहन है बहरे, सुन रहा है कि नहीं, अरे भैया समझ गए, जैसे तुम इसके भाई वैसे हम इसके भाई, आई थिंक योर परफॉर्मेंस ट्रूली डिजर्व्स अ स्टैंडिंग ओवेशन, बहुत बढ़िया किया, फैंटास्टिक, थैंक यू भैया, सुन रहे हैं, थैंक यू शेखर भैया, थैंक यू सिद्धि, आकाश आकाश की कोई सीमा नहीं, पृथ्वी का कोई तोल नहीं, साधु की कोई जात नहीं, और पारस और राजू का कोई मोल नहीं। So friends, this was really a comedy. What amazed me was his acting skill. More than the comedy was the acting that he was doing, where he was talking as two people talking to each other, where he's showing the brother talking and to the mother. That was amazing.
and the expressions and the way that communication was being shown by him through that acting was amazing. And the way he non-stop speaks, oh my gosh, that is like, I was like this. How can you speak so fast and for such a long time? I mean, that those dialogues. So fantastic, fantastic. But this did remind me when they said that, you know, the brother was, I was like, you know, when they came to the brother's part, I was like, you, because with my brother, he was pretty happy. Ki behen is going, sister is going. So now I get the best room of the house, which was mine. So now that will be mine finally. So, I mean, he was like, behen, tu gai, tera kamra mera ho gaya. Very good. So, I mean, I'm just as, you know, that's how, you know, brothers and sisters generally are. And though he then, you know, later on really missed me. But, I mean, when they showed the father, that was making me, instead of, you know, finding comedy in it was making me emotional for some reason, because I was thinking about my dad at that point. So I guess if there are girls watching this video, they will be looking from the point of view like I was getting emotional in there. But men probably would be like him, would be laughing like crazy watching this one. He was so happy and laughing like anything in this video for a change. So guys, this was really, really a fantastic comedy, I would say, with fantastic acting. Right, so very good video. I think the beauty of this was, when you're listening to this person, it feels like as if you are looking at a story. Yeah. As if you are inside a story and there are different characters and you are visualizing the different characters, you are understanding what their viewpoints are, and very nicely he has shown the everybody's perspective, the perspective of a person who has come to attend, perspective of the father of the bride, the sister of the bride, mother of the bride, brother of the bride, husband of the bride. So nicely he has covered all these relationships and what is their thought process in a very comedious way, because he is not, I mean, obviously the mother would not be saying all those things that she said, but he is trying to make a comedy. So that was great, that he was trying to contrast and show internally what she's thinking versus what she would have said. Right? She's not going to say, ki kabhi utha ke nahi dekha, but she'll not say, ki tak tak aake dekha hai. So wo toh in there, he's trying to show the inside, what is the reality versus what she would have said. So fantastic comedy, very well done. But the beauty, I would say once again, was it felt like you are inside a story. It felt like all these activities are happening in front of you. And that is the beauty of this comedy. Yes, friends. So we hope you found this enjoyable and had a few laughs with us. So we'll go ahead and take your leave, and we'll come back again in another video very soon. Till then, take care and bye-bye. Oh, and if you're new to my channel, don't forget to hit that subscribe button and hit the bell icon so it notifies you when I put in my new video for you to enjoy. Bye!